हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग किस तरीके से फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्लो चार्ट को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्लो चार्ट नहीं कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में ये हायरार्की चार्ट से रिप्रेजेंट होता है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्लिक करिए इंसर्ट टैब में, और इस इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट। क्लिक करिए स्मार्ट आर्ट में, और लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे दिखेगा हायरार्की। क्लिक करिए आप हायरार्की में। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के हायरार्की दिख जाएंगे। हायरार्की फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाला नेम टाइटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सेलेक्ट करके आप क्लिक करिए ओके में। ओके में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलग अलग कलर्स यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स में हैं। अब आपको इसे एडिट करना हो तो आप बस टेक्स्ट में क्लिक करें, या फिर आप इस एरो पे क्लिक करके, यहाँ से एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि बॉस। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे एक और ऐड करना है बॉस के साथ, मान लीजिए कोई और भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। अब बॉस के साथ कौन सा है, पार्टनर, और हमें इसे और इसे ज्वाइन करना है। इसे और इसे ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फिर से इंसर्ट में क्लिक करेंगे, शेप्स में जाएंगे और लाइन को सेलेक्ट करके आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कलर इसका चेंज। तो इस तरीके से दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विजिट करें। थैंक यू।